ऑर्फनेज पहुंचकर परिधि और काव्या चौंक गए थे जब उन्होंने ये देखा कि वो ऑर्फनेज डिमोलिश किया जा रहा था। ये नजारा देखकर परिधि का दिल बैठ सा गया था। उसे एक बेचैनी और घबराहट सी महसूस होने लगी थी। उसकी यह हालत देखकर काव्या भी थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर उसने परिधि का हाथ पकड़ा और उसे हिम्मत दी। परिधि सीधे वहां से भागते हुए साइट के पास खड़े एक शख्स के पास गई। एक्सक्यूज मी सर, ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो होली मदर मैरी ऑर्फनेज था ना, वो कहाँ गया? और यहाँ ये सब तोड़फोड़ क्यों चल रही है? परिधि ने बेचैनी भरी आवाज में पूछा। जी मैडम, यहाँ पर एक ऑर्फनेज था, लेकिन अब उसे तोड़कर यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है, इसीलिए ये तोड़फोड़ चल रही है, उस शख्स ने कहा। मॉल बनने वाला है? ऑर्फनेज तोड़ रहे हैं? तो यहाँ के जो बच्चे थे वो कहाँ है? परिधि ने पूछा। देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ यहाँ मॉल का कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए हूँ। बाकी उस ऑर्फनेज के लोग, बच्चे कहाँ हैं, ये सब अपने को नहीं पता, उस शख्स ने कहा। ये सुनकर परिधि का टेंशन और बढ़ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। फिर उसने उस शख्स से घबराहट में पूछा, अच्छा क्या आप प्लीज मुझे इतना बता सकते हैं कि इस ऑर्फनेज के डायरेक्टर मुझे कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, वो अभी यही थे, अभी थोड़ी ही देर में आते ही होंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। थैंक यू सो मच, परिधि ने कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ होली मदर मैरी ऑर्फनेज के डायरेक्टर मिस्टर केनेथ डिसूजा आ गए। जब परिधि ने उन्हें देखा तो वो और काव्या जल्दी से उनके पास पहुंच गए। हेलो सर, मेरा नाम परिधि है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, परिधि ने कहा। श्योर मिस, पूछिए, मिस्टर डिसूजा ने कहा। आप जब आपके ऑर्फनेज को तोड़ा जा रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ रहने वाले बच्चे अब कहाँ हैं? परिधि ने पूछा। वो जब से हमें पता चला है कि ऑर्फनेज डिमोलिश किया जाने वाला है तो हमने अपने सारे बच्चों को 3 महीने पहले ही शहर और उसके आसपास के बाकी ऑर्फनेज में ट्रांसफर कर दिया था, मिस्टर डिसूजा ने कहा। अच्छा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकती हूँ? परिधि ने कहा। हाँ श्योर, प्लीज गो अहेड, मिस्टर डिसूजा ने कहा। वो एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 5 साल पहले आपके ऑर्फनेज में 2 जुड़वा लड़के आए थे? परिधि ने पूछा। मिस्टर डिसूजा एक अधेड़ उम्र के आदमी थे। परिधि का सवाल सुनते ही उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डालकर उन जुड़वा बच्चों को याद करने की कोशिश की। इस सवाल को सुनकर उनके चेहरे पर एक डिस्कम्फर्ट भी नजर आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, जुड़वा बच्चे? कैसे जुड़वा बच्चे? मिस, शायद आपको किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मिस्टर डिसूजा ने कहा। ये सुनकर परिधि थोड़ा परेशान हो गई। उसे लगा कि कहीं सत्यन ने उसे फिर से तो झूठ नहीं बोला। पर मिस्टर डिसूजा भी ऐसे ही किसी को अपने ऑर्फनेज के बच्चों की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे। हाँ, उनके ऑर्फनेज में 5 साल पहले 2 जुड़वा बच्चों को कोई छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके बाद उनके बारे में पता करने के लिए कोई नहीं आया था। और आज अचानक से परिधि उनके पास आई और उन बच्चों के बारे में पूछने लगी। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी, पर फिर उन्हें परिधि के चेहरे पर बेचैनी भी दिखाई दे रही थी और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने का फैसला कर लिया। फिर उन्होंने कुछ देर सोचा और अचानक से याद आ जाने का नाटक करते हुए परिधि से कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया, जुड़वा लड़कों का एक जोड़ा तो था, लेकिन उनके यहाँ आने के कुछ ही दिनों में किसी ने आकर उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। माफ करना, मुझे याद करने में थोड़ा वक्त लगा। वो क्या है, इतने सालों में कितने ही लोगों ने आकर यहाँ के बच्चे अडॉप्ट किए हैं, इसीलिए मेरे ध्यान से निकल गया था। मिस्टर डिसूजा के मुंह से ये सुनकर परिधि की जान में जान आई। उसे इस बात की तसल्ली थी कि चलो उसके बच्चे जहाँ पर भी थे सही सलामत थे। थैंक यू सो मच सर, क्या आप मुझे उन अडॉप्टर्स का कॉन्टैक्ट दे सकते हैं? परिधि ने कहा। अफसोस, उस साल अडॉप्ट के बच्चों की फाइल्स कुछ साल पहले ऑर्फनेज में आग लगने की वजह से जल गई थी और अब हमारे पास उसके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, मिस्टर डिसूजा ने कहा। ऑर्फनेज में आग लगने की बात बिल्कुल सच थी और जिसकी वजह से आग लगी थी वो इन्हीं जुड़वा लड़कों में से एक था। मिस्टर डिसूजा से कोई रिकॉर्ड्स न होने की बात सुनकर परिधि वहां से काव्या के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। मुझे एक क्लू मिला था अपने बच्चों तक पहुंचने का
और वो भी किसी काम का नहीं निकला। पता नहीं मैं कभी अपने बच्चों तक पहुंच भी पाऊंगी या नहीं, परिधि ने मायूस होकर कहा। तू ऐसा क्यों सोच रही है? तू कम से कम भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा कर कि तेरे बच्चे सही सलामत किसी परिवार के साथ हैं। और तू चिंता मत कर, एक न एक दिन हम उन तक जरूर पहुंचेंगे, काव्या ने परिधि को कंसोल करते हुए कहा। काव्या की बात सुनने के बाद परिधि ने खुद को संभाला और एक लंबी सांस ली। जैसे ही उसने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया था कि तभी परिधि का फोन बज उठा। जब परिधि ने फोन चेक किया तो उसके मैनेजर शांतनु का कॉल था। जैसे ही परिधि ने कॉल उठाया दूसरी तरफ से आवाज आई, परिधि कहाँ हो तुम और तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए? मीटिंग शुरू होने में बस आधा ही घंटा बचा है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम आओगी और मुझे वो सारे डेटा और फाइल्स दिखाओगी, प्लीज जल्दी आओ, शांतनु ने हड़बड़ी में कहा। सर मैं बस अभी पहुंच रही हूँ ऑफिस, परिधि ने घबराते हुए कहा और फोन काट दिया। परिधि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में भूल गई थी। शांतनु की बात सुनकर कुछ देर के लिए परिधि अपने बच्चों के बारे में भूल गई और उसका पूरा ध्यान जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने पर था। काव्या जिसने परिधि और शांतनु की सारी बातें सुन ली थी, उसने परिधि से टेंशन ना लेने को कहा और तेजी से गाड़ी चलाकर एकदम आधे घंटे के अंदर अंदर परिधि को उसके ऑफिस के बाहर उतार दिया। काव्या की ड्राइविंग स्किल्स का तो कोई जवाब ही नहीं था। गाड़ी से उतरते ही परिधि भागी भागी ऑफिस एलिवेटर के पास पहुंच गई और तभी वहां मेनन भी आ गया। परिधि को ऐसी हड़बड़ी में देखकर मेनन ने उससे पूछा, क्या हुआ परिधि बेटा, तुम ऐसे हड़बड़ी में क्यों हो? वो मेनन सर, मीटिंग में सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं और मुझे शांतनु सर को अपने प्रेजेंटेशन और कुछ डेटा देने हैं और वो सब कुछ मेरे ऑफिस वाले लैपटॉप में है, परिधि ने हाँफते हुए कहा। परिधि की ऐसी हालत मेनन को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा वो मीटिंग, चिंता मत करो, वो मीटिंग अब 20 मिनट के लिए पोस्टपोन हो गई है, तो तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। वैसे तुम ये एलिवेटर ले लो, ये बीच में कहीं रुकती नहीं है, तो तुम जल्दी से अपने फ्लोर पर पहुंच जाओगी। परिधि ने पहले भी ये स्पेशल एलिवेटर यूज किया था तो उसके लिए इससे दोबारा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। थैंक यू मेनन सर, परिधि ने कहा और वहां से चली गई। इसी बीच मेनन ने प्रताप रॉय को फोन करके उसके और परिधि के बीच हुई सारी बातें बता दी और ये भी बता दिया कि उसने परिधि से कहा है कि मीटिंग 20 मिनट पोस्टपोन हो गई है। प्रताप समझ गया था कि उसे क्या करना था। उसने अपने सेक्रेटरी से कहकर मीटिंग में शामिल होने वाले सारे एम्प्लॉइज को ये मैसेज भिजवा दिया कि अब मीटिंग 20 मिनट डिले हो गई थी। इतने में परिधि अपने फ्लोर पर उतरी और जल्दी से अपनी डेस्क की ओर भागी। भले ही मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी पर उसे अभी भी उसके लिए काफी प्रिपरेशंस करने थे। तभी शांतनु उसकी डेस्क पे आया और कहा, परिधि डोंट वरी, आराम से काम करो, मीटिंग अब 10:30 पे शुरू होगी। ओह थैंक गॉड, ये तो अच्छी बात है। वैसे आई एम रियली सॉरी शांतनु सर, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, परिधि ने कहा। नो प्रॉब्लम परिधि, बस आगे से अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना, तो ये भागा दौड़ी और हड़बड़ी नहीं होगी, शांतनु ने कहा। श्योर सर, परिधि ने कहा। उसके बाद परिधि ने सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट किया और वो शांतनु के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गई। उसके बाद एक एक करके कंपनी की पूरी सीनियर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रूम में आने लगी। प्रताप रॉय के चाचा जयदीप रॉय, उनका बेटा विश्वजीत, शेखर रॉय, ये सब लोग आ चुके थे। उन्हें देखकर ये तो पता चल ही रहा था कि आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। परिधि एक कोने में बैठी थी और उसकी नजर सीधे विश्वजीत से मिली। उसने विश्वजीत की तरफ देखते हुए स्माइल किया और सिर हिलाकर उन्हें विश किया। फिर परिधि ने अपनी नजरें घुमा दी और कुछ पल बाद उसने शेखर रॉय को देखकर भी स्माइल किया और ये देखकर विश्वजीत को कुछ अच्छा नहीं लगा। अब जब सभी लोग आ गए थे तो सिर्फ एक ही इंसान की कमी थी, प्रताप रॉय। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और मोनिका व्हीलचेयर पे बैठे प्रताप को अंदर ले आई। प्रताप के आने से पूरे रूम में एक डर का माहौल सा छा गया। उसने कमरे के चारों ओर देखा और अपनी सीरियस आवाज में कहा, चलिए लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। प्रताप के ऑर्डर के बाद मीटिंग शुरू हो गई। ये मीटिंग रॉय पैराडाइज प्रोजेक्ट के सिलसिले में थी, तो सबसे पहले
इस प्रोजेक्ट के सेल्स हेड ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। कुछ देर बाद मीटिंग का पहला राउंड खत्म हो गया। परिधि कोने में बैठे सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम का एसी इतना तेज था कि उसकी ठंड की वजह से वो बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट भी होती जा रही थी। फिर कुछ ही मिनट में मीटिंग का दूसरा राउंड शुरू होने वाला था और शांतनु ने परिधि को प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर जाने को कह दिया। परिधि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। सबकी नजरें उस पर थी और उसकी नजर तो सिर्फ प्रताप पर थी। वो प्रताप को देख तो पा रही थी, पर स्टेज के सामने लाइट और प्रताप के मास्क पहने होने की वजह से वो ठीक से ये नहीं देख पा रही थी कि प्रताप की नजरें भी उस पर थीं या नहीं। फिर परिधि ने एक लंबी सांस भरी और तुरंत अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। उसके प्रेजेंट करने के स्टाइल में एक कॉन्फिडेंस, कंपोजर और कामनेस झलक रहा था, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग परिधि पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। अपनी पत्नी को इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन देते हुए देखकर प्रताप को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस एक टक परिधि की तरफ देखे जा रहा था और मास्क के अंदर उसके होठों पर अपनी बीवी को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान भी आ गई थी। शिखर रॉय भी परिधि के प्रेजेंटेशन से बहुत खुश था। विश्वजीत रॉय भी अपने पापा जयदीप से आंखों ही आंखों में बात करके परिधि की तारीफ कर रहे थे। इस मीटिंग की परिधि एक स्टार परफॉर्मर थी और ये बात कोई नहीं झुठला सकता था। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और परिधि स्टेज से उतरी, तब विश्वजीत रॉय ने तालियों के साथ परिधि को कंग्रेचुलेट किया और कहा, वाह मिस परिधि, बहुत अच्छा, आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू सर, परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक एक करके रूम में बैठे बाकी लोगों ने भी परिधि की तारीफ करते हुए कहा, वेल डन परिधि, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन परिधि। विश्वजीत रॉय खुद परिधि की इतनी तारीफ कर रहा था ताकि लोगों को ऐसा लगे जैसे उसने ही इस हीरे को ढूंढा था, लेकिन परिधि की निगाहें तो सिर्फ प्रताप को ढूंढ रही थी। तभी उसकी निगाहें प्रताप पर पड़ी, क्योंकि प्रताप परिधि के लिए अपनी खुशी ऐसे सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने मास्क पहने हुए ही मुस्कुराते हुए लेकिन एक सीरियस आवाज में कहा, आप तो कमाल ही निकली मिस परिधि, गुड जॉब। थैंक यू सर, परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा। परिधि अपनी सीट पर बैठने ही जा रही थी कि तभी विश्वजीत रॉय प्रताप के पास आया और उसने प्रताप से कहा, भैया मेरी उस कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है, अगले एक महीने के अंदर रॉय पैराडाइज का काम शुरू हो जाएगा, क्या वो लोग और जल्दी नहीं कर सकते? प्रताप ने कहा, वो भैया होली मदर मैरी ऑर्फनेज को डिमोलिश करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आप चिंता मत करिए, विश्वजीत ने कहा। जैसे ही परिधि ने ऑर्फनेज का नाम सुना, उसका दिल बैठ सा गया। होली मदर मैरी ऑर्फनेज का डिमोलिशन रॉय कंपनी करवा रही है? क्या रॉय कंपनी की वजह से परिधि अपने बच्चों से दूर हो जाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।